हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसे कि जानते हैं कि आप जब टैली प्राइम में एंट्री पास करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कंपनी है और इसमें अगर मैं एंट्री करना चाहता हूँ, जैसे परचेज की ही एंट्री कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, एंटर किया, यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का नाम आ जाएगा, एंटर करेंगे, यहाँ पे इनका GSTIN वगैरह डाल सकते हैं, यहाँ पे परचेज अकाउंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ देखिए दो स्टॉक आइटम ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं, तो पल्स ले लेते हैं, तो ये एक विंडो ओपन हो जाती है आइटम एलोकेशन। अब ये बड़ा प्रॉब्लम करता है, ये क्यों ओपन होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि कहीं ना कहीं आपने डिलीवरी, मैं दिखा भी देता हूं, यहां से मैं बाहर आ जाता हूं गेटवे ऑफ टैली पर, और यहां पे अल्टर आ जाते हैं अल्टर पर, ठीक है ना। तो एक्सपेंड, ये देखिए ये बाउचर टाइप पे जाएंगे, तो बाउचर टाइप पे जाने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं ये डिलीवरी नोट नंबर, ये जो डिलीवरी नोट बाउचर है इसका अगर आप यूज करते हैं, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा परचेज ऑर्डर का यूज करते हैं या सेल्स ऑर्डर का यूज करते हैं तो ये आपको आएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो तरीका क्या है, यहाँ परचेज ऑर्डर पे जाइए, ठीक है, इस तरीके से आगे परचेज ऑर्डर पे, और इसको आपको ऑफ कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ना, एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, तो मैंने यस कर दिया, इसको नो कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये नो हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी नो कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर के एंड प्रेस कर दिएगा तो भी नो हो जाएगा, और इसको कंट्रोल ए कर दीजिए, कंट्रोल ए कर दिया। अब ये यहाँ पर एक मैंने बंद कर दिया, आप डिलीवरी नोट पे भी जाकर चेक कर सकते हैं, जैसे ये है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी नो है तो इसको नो करने की जरूरत नहीं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ सेल्स ऑर्डर पे तो ये भी ऑलरेडी हमारा नो ही होगा, तो ये देखिए ये नो है, तो बस एक ही परचेज ऑर्डर चालू हो गया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहां से जरा इसके बटन प्रेस करके बाहर आ जाइए, और फिर अब हम जरा एंट्री पास करते हैं, वही परचेज वाली जो मैं पास कर रहा था, जो सप्लायर से बिल मिलता है उसकी एंट्री हम पास करके देखते हैं। तो ये सप्लायर का नाम लिख दिया और ये सारी डिटेल भरते हुए नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आकर के परचेज अकाउंट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आएंगे तो ये जो स्टॉक आइटम था उसको लेते हैं, अब देखिए कोई भी उस तरह का वाउचर दोबारा से ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ खरीद लिया, यहाँ पे GST जो भी लगाई गई है वो GST आ जाएगी। तो ये देखिए ये बड़े आसानी से आप एंट्री पास कर पाएंगे, चाहे सेल्स में करना हो परचेज में करना हो, ये प्रॉब्लम अगर आपकी आती है तो ये सॉल्व हो जाएगी इजीली, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। साथ ही आपको ये भी इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि टैली की तो बहुत सारी वीडियोज मैं बनाता ही रहता हूँ, बहुत सारी वीडियोज हैं, आपने काफी प्यार दिया हमारे वीडियोज को, काफी लाइक किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सैप्स की भी ट्यूटोरियल जल्दी लेके आऊंगा, ठीक है, जल्दी शुरू करूंगा सैप्स की ट्यूटोरियल, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपने देखा, इतना प्यार मिला आप सभी से, तो इस सभी चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सैप्स के ट्यूटोरियल शुरू होने का इंतजार कीजिए, और तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।